हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जा रहे हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार शाम के 5:30 पौने 6 इतना टाइम हो रहा है। सारा दिन आज बारिश ही हो रही थी। तो आज हम मम्मी के घर से जा रहे हैं पलक की बुआ के घर। ये तो रास्ते का ही है, ब्लॉग में बना रही हूँ क्योंकि रास्ते में ना ऐसे तबीयत ख़राब सी होने लग जाती है। जितना सब मेरे से सूट हो पाया बस ये रहा रास्ते का। ये उतर का है जो क्या बोलते हैं उसको, संदोल के पुल पे जो पुल है, हारसी पत्तन जिसको बोलते हैं। देखो कितना प्यारा व्यू है। सरिमोलक जा रहे हैं हम पलक की बुआ, बड़ी बुआ के घर। हाँ जी, देखो अभी सारा दिन तो बारिश ही होती रही, अभी भी बारिश ही हो रही है। कुछ देर के लिए हटी थी तो अपने गाड़ी वाले भाई को बोला था, वही हमारे को लेके जा रहे हैं। हमारे गांव के ही अभी, बल्कि इनका इनकी जो सिस्टर है वो मेरी क्लासमेट है, थी है, उनके छोटे ब्रदर हैं ये भाई साहब, उनके साथ ही जा रहे हैं हम। ठीक है जी। तो देखो ये नीचे दरिया है, जहाँ से हम जा रहे हैं ना रोड से, इसके नीचे दरिया है जो ब्यास नदी है। कल सुबह में आते हुए आपको दिखाऊंगी इसका भी। हाँ जी, तो ये ब्यास नदी जो है ना, कल दीदी के घर से वापस आते हुए इस दरिया को अच्छे से आपको दिखाऊंगी वीडियो में। ठीक है जी। तो ये अभी हम पहुंच चुके हैं दीदी के घर के बाहर का व्यू है। जो बड़ का पेड़ है, ये बड़ा सा है जटाऊ वाला, ये वही है। हाँ जी, ये तो हम उधर पहुंच चुके हैं मोलग में। तो क्या है ना कि मैं उधर उनके दीदी के किसी को दिखाया नहीं है क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी और पता नहीं वो क्या सोचेंगे। अभी मैं नई नई शुरू करी है ना ब्लॉग बनाना, इस करके नेक्स्ट टाइम मैं आपको उन सब से मिलाऊंगी। दूसरे दिन हम वापस आ रहे हैं, वही आरसी पत्तन जिसका मैंने अच्छे से दरिया ने दिखाया था आपको, ये वही है मॉर्निंग। जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता ही होगा, सिंदौर के आसपास, आरसी के आसपास के लोग जो हैं वो तो अच्छे से जानते होंगे हिमाचली। देखो जी दरिया, हम 5 मिनट के लिए रुके थे तो बेटे मेरे ने बनाई है वो पुल जो दिख रहा है सारा आपको। जब दरिया आया था बरसातों में तो ये सारे ढक गए थे, जो नीला सा दिख रहा है ना। इधर से हम टर्न हो गए संधोल, मेरे मामा के घर के आने घर आने से पहले रास्ते में नोन है, ये जहाँ से पानी पुनी भरते, आज भी लोग उधर से पानी भरते हैं। ये मेरे नाना जी के हाथों का बना हुआ है उस टाइम, अब तो मेरे नाना जी बेचारे हैं नहीं, उनको 15-16 साल हो गए। देख लो इसका पानी मतलब इतना अच्छा, 100% शुद्ध है, टेस्टेड है। उधर भी मैंने किसी दिखाया किसी दिखाया नहीं है। उसके बाद हम होली के मेले में आ गए, सुजानपुर होली का मेला लगा हुआ है। मेला क्या लगा हुआ, 3 मार्च से मेला चल रहा है। 8 मार्च को होली थी ना, उसके हफ्ता 10 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। तो हमने तो जाना था घर बड़ी देर से, पर कुछ ना कुछ काम बीच में आ रहा था इस करके हम लेट ही गए। हम गए थे 28-29 को, 30 को गए थे मेरे ख्याल, वीरवार को गए थे हम। तो उसके 31 हम 1 अप्रैल को गए फिर उधर मेला देखने। मेला देखने क्या जाना, मुझे आते ही ये हमारे स्टेट लेवल की होली होती है जी, हमारे उधर सुजानपुर की। जब बचपन में तो हम बहुत एंजॉय करते थे, अब टाइम ही कहाँ होता है। अब तो मेला उठने वाला ही है, एक आध दिन में उठ जाएगा, लास्ट है बस मेले का एंड।
महीना तो हो ही गया लगा हुआ, शुरू हुआ जब से, क्या करें। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, बस ज़बरदस्ती का आई है सब। बच्चे न बहुत तंग करे थे, फिर दिखाओ हमें कैसी होती हैं आपके मायके की औलियाँ उस साइड की। शाम का टाइम है, बारिश हो रही है, पूरा ग्राउंड चिक्कड़ से भरा पड़ा है, बुरा हाल है। नीचे तो पैर तो पहचाने जा रहे हैं, हमारे जूते हैं ये, मिट्टी है, कीचड़ से भरे पड़े हैं। देख लो जो कुछ आप देख रहे हो, आपको भी दिखा रही हूँ मैं, बस देखिए जी, आप भी सुन देखिए इधर क्या क्या देख रहे हैं हम। ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा, पर बच्चे ही कर रहे हैं शॉपिंग अपनी। ये पलक, ये चूड़ियाँ, पलक को पसंद आ भी रही थी कुछ एक चूड़ियाँ। क्या हो गया? क्या खरीदना है? क्या खरीदना बता देना तब, ठीक है। ले ले ले, पूछ ले भैया ये कितने की थी। ले ले, कौन सी, सिल्वर वाली की गोल्ड वाली? गोल्डन से ले ले, सिल्वर ज्यादा अच्छी लगती है। ले ले ले, कोई जाने की गोल्ड जस्ट की एक तो था, हां भीड़ नहीं होनी, बड़े साइज है और दिखे। सोने 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 ले रही है पलक, क्या थी वाला कितने की थी? वाला दे दो अच्छी है, ये भी सिलिकॉन में भैया। ये कितने का दिया? क्या लेना है? बड़ी बहुत बेकार है, बहुत बड़ी साइज था। हाँ चल मेरी वीडियो ना यार, गई आपकी क्या नहीं। जी तो मिकी इधर से देख रहा है, पूछ रहा है, इसको बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, इसका मोल भाव कर रहा है, पूछ रहा है भाई कितने की है, क्या है, कैसे, देखो पसंद आ रहे हैं उसको। बस शाम हो गई है, बाहर अंधेरा हो गया है, हमारी भी लास्ट बस ही है, 7:20 पे चलेगी। 7:20 के घर पहुँचते पहुँचते मुझे बस में, अब हम जा रहे हैं घर, अंधेरा हो गया है, खाने के लिए हमने फटाफट थोड़ी सी जलेबी ली है और घर जा रहे हैं, अंधेरा हो गया है, मम्मी भी हमारे साथ ही है। आज के लिए बस इतना ही, दूसरी वीडियो में बताऊंगी पलक ने मेले में क्या क्या लिया अपने लिए। तो कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, वीडियो पसंद हो तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।